नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल विधायक देशमुख के प्रयास से उर्दू स्कूल को मिला उर्दू विषय का शिक्षक। मुस्लिम समुदाय ने विधायक का जताया आभार। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल के मुलताई नगर में संचालित जिले का एकमात्र उर्दू हिंदी जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था, जहां विगत कई वर्षों से उर्दू विषय का शिक्षक ना होने से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते स्कूल में बच्चों की दर्ज संख्या भी कम होते जा रही थी, जिसको देखते हुए नगर के समाजसेवी और अन्य संगठनों द्वारा समय समय पर स्कूल में उर्दू विषय के शिक्षक की मांग की जा रही थी। जब इस बारे में विधायक चंद्रशेखर देशमुख से चर्चा की गई तो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जल्दी ही स्कूल में उर्दू विषय के शिक्षक का इंतजाम करेंगे। विधायक देशमुख के अथक प्रयास से उर्दू हिंदी स्कूल में उर्दू विषय के शिक्षक की नियुक्ति करा दी गई। आपको बता दें कि विगत सन 2019 से स्कूल में उर्दू विषय का कोई शिक्षक नहीं था। विधायक देशमुख की अनुशंसा पर फरत अली नामक उर्दू विषय की शिक्षिका का प्रभात पट्टन से मुलताई अटैचमेंट कराने पर नगर के मुस्लिम समुदाय में हर्ष का माहौल बन गया है। उनके द्वारा स्कूल पहुंचकर नवनियुक्त उर्दू विषय की शिक्षिका फरत अली सहित स्कूल स्टाफ का स्वागत कर बधाई शुभकामनाएं प्रेषित की गई। इस अवसर पर संस्था प्रमुख वर्षा खेरे, शिक्षक नागले सहित पालक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अजीजुर रहमान, अल्फेज वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सैयद मकसूद अली, वहीद पठान, आरिफ पेंटर, सैयद नजर अली, समाज सेवी मोहम्मद अफसर भाई, मध्य प्रदेश मुस्लिम विकास परिषद के अध्यक्ष अल्ताफ टेलर, जामा मस्जिद मुतवल्ली फारूक मसूद, कब्रिस्तान वर्किंग कमेटी के अध्यक्ष सज्जू मिस्त्री, शाकिर भाई, अन्य लोग शामिल थे। तहसील संवाददाता युवराज पोटफोड़े की रिपोर्ट।